हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉलिंग के समय आपके मोबाइल का स्क्रीन ऑफ क्यों हो जाता है। दरअसल दोस्तों, यह प्रॉब्लम हमको तब देखने को मिलती है जब हम किसी को कॉल करते हैं या किसी का कॉल रिसीव करते हैं तो हमारे मोबाइल का स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है, स्विच ऑफ नहीं होता परंतु पूरा ब्लैक होता है और हम पावर बटन को बार बार प्रेस कर दें तब भी स्क्रीन ऑन नहीं होता है जब तक कि कॉल कट ना हो जाए। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान है तो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है एंड आपको यह भी पता चलेगा कि आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल का सेंसर सही से वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब आपके मोबाइल का सेंसर खराब हो जाता है तब ही आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मोबाइल का सेंसर चेक करेंगे कि यह सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने डायल ऐप पर चले जाना एंड *899# पर डायल कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पर मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड यहां सेकंड पर क्लिक करके आपको सिंपली थोड़ा नीचे चले जाना एंड यहां पे आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको प्रॉक्सिमिटी टेस्ट पर क्लिक करके अपने मोबाइल के अपर साइड में अपने हैंड से कवर कर लेना। अगर पास कर देता तो आपके मोबाइल का सेंसर सही है। अगर तो दोस्तों यह सिर्फ कुछ ही मोबाइल में वर्क करता है, अगर यह आपके मोबाइल में वर्क कर रहा है तो आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में सेंसर सही है या नहीं। तो दोस्तों, कॉल करते समय या रिसीव करते समय स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पर चले जाना एंड नीचे आके अबाउट फोन पर क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली आपको थोड़ा नीचे चले जाना एंड वर्जन पर क्लिक कर देना एंड अगेन वर्जन पर 7 times क्लिक कर देना, जिससे आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको बैक चले आना एंड अगेन एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ा नीचे आके आपको सिंपली डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करके यह आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा नीचे चले आना एंड क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको सेंसर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरह ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप आसानी से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक्स को अप्लाई करके यदि आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि आपके मोबाइल का कैमरा ऑन ना हो, तो दोस्तों उसको ठीक करने के लिए आप जब भी अपने मोबाइल में कैमरा यूज करें तो सिंपली इस कर दे और बाकी समय इसको ऑन ही रखें, जिससे आपके मोबाइल में यह दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह आप कॉलिंग के समय स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ट्रिक्स वर्किंग है या नहीं।